नमस्कार किसान भाइयों, किसान संबंधित जानकारी और रोज नए भाव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके आग्रह को स्वीकारते हुए प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 5 जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा कराने की अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। इन जिले के जो शेष रहे किसान भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के दृष्टिगत बीमा योजना की तिथि को बढ़वाकर किसानों के हित में ये निर्णय लिया। पूर्व में फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 निर्धारित थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में जिन जिलों में अतिवृष्टि के कारण सारी गतिविधियां रुक गई थी, वहां के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल होने से वंचित रह गए थे। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर बीमा योजना की समय सीमा 7 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था, जिस पर केंद्र सरकार ने तत्परता से निर्णय लेकर प्रदेश के 5 जिलों के किसानों को राहत दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की है। गौरतलब है कि गत वर्ष मध्य प्रदेश में करीब 23 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हुए थे। इस वर्ष लगभग 32 लाख किसानों ने बीमा योजना का प्रीमियम जमा कर अपनी फसल का बीमा करवाया है। तो किसान भाइयों, बड़ी खुशखबरी बात है, जो भी किसान भाई अगर छूट गए हैं तो 5 जिलों में, ये मैं आपको एक बार बता दूं, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा जिले में, इन 5 जिलों में 7 सितंबर तक आप बीमा करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिल सकेगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।